उससे पहले एक टॉपिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? असुर किसे कहते हैं? कौन है असुर? एक बात बताइए, एकदम बच्चों की भाषा में बात कर रहे हैं, असुर क्या सच में बुरे होते हैं? बुरे गंदे लोग हैं? हरे कृष्ण, कितने लोगों को लगता है असुर बुरे लोग होते हैं? यस, हरे कृष्ण, जो नहीं बता रहे वो बताइए क्यों नहीं बता रहे? ऐसे नहीं, इस नहीं, असुर क्या बुरे होते हैं? नहीं तो अच्छे होते हैं क्या? है? नहीं बता रहे, नहीं बता रहे तो लॉजिक बता। हरे कृष्ण, बस एक सेकंड, हरे कृष्ण, एक सेकंड। हरे कृष्ण, दे आर व्हाट दे आर बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियसनेस एंड कंपनी। ओके, वो अपनी चेतना और लोगों के संग के कारण से हुए, ठीक है? ओके, और कोई? चलिए बाकी लोग आंसर लिख दीजिएगा, नहीं जो बता रहे हो, नहीं तो मैं आपका उत्तर हाँ समझूंगा, है ना? ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं असुर, असुर किसको बोलते हैं? असुर कौन है? अच्छा, कहीं ना कहीं वो कृष्णा के कार्यों में लगे रहते हैं तो इसलिए वो असुर नहीं है। ओके, यस, असुर किसको बोलते हैं? कोई भी बुरा नहीं होता, उसके गुण बुरे होते हैं। अच्छा, असुर कौन होता है? यस, हरे कृष्णा। भगवद गीता में कृष्णा बताते हैं कि मूर्ख, अल्पज्ञ और असुर को मैं प्रकट नहीं हूं। तो ये असुर कौन है? असुर वो नहीं है, राधर, असुर मात्र वो नहीं है जो कृष्णा की व्यवस्था को ना माने। असुर वो है जो खुद की व्यवस्था बना ले, जो कि कृष्णा से पृथक हो। कृष्णा ने जो बोला उससे पृथक कोई भी एक व्यवस्था बना लेना, वो आसुरी। कहने का अर्थ ये, कृष्णा जो भी चाहते हैं अगर आप उस अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसकी विपरीत दिशा में, उनके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक अलग व्यवस्था बनाए हुए हैं, वो आसुरी है। आसुरी व्यवस्था हमें कृष्णा से दूर ले जाती है। असुर कौन होते हैं? जो कृष्णा से दूर हो जाए, हैं? वेरी गुड संपदा माता जी। असुर कौन होते हैं? जो कृष्णा की व्यवस्था को नहीं माने। अब कृष्णा की व्यवस्था को नहीं मानने वाले मात्र ऐसे लोग नहीं होते हैं जो हमने देखा कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम हम आरती करते हैं। एक बात बताइए, आप जीवन में क्या कार्य करते हैं? जीवन में तो बहुत सारे कार्य करने होते हैं, सुबह से रात तक तो हम बहुत सारे तरह के कार्य करते रहते हैं। तो आप कृष्णा की कहे के अनुसार कर रहे हैं क्या? अब देखिए, कृष्णा तो है ना बहुत कुछ कहते हैं, हमको है ना उतना कुछ होता नहीं है, जितना हमसे बनता हम कर लेते। ये क्या है? देखिए,
एक बात जानिए, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस भौतिक जगत में आने के बाद करीब करीब सब कोई ही आसुरी प्रवृत्ति के हैं। करीब करीब शब्द को हटा देना चाहिए अगर हम शुद्ध भक्तों को समझने की नहीं देख रहा। शुद्ध भक्त तो गिने चुने होते हैं, हैं? बहुत ही विरले शुद्ध भक्त होते हैं, नहीं तो सब तो आसुरी प्रवृत्ति वाले ही होते हैं। आप समझिए आसुरी प्रवृत्ति आई कहां से। कृष्णा भगवत गीता में स्वयं बता रहे, डीमंस डू नॉट अंडरस्टैंड मी, असुर मेरे को नहीं समझते। और जब कृष्णा को नहीं समझते तो कृष्णा की व्यवस्था को भी नहीं समझते। जिस पल हम कृष्णा से द्वेष किए, श्रीमद् भागवतम में मेंशन कि हम कृष्णा से द्वेष करके इस भौतिक जगत, जिस पल हम कृष्णा से द्वेष किए हम उसी पल आसुरी बन गए, क्योंकि हमने उसी पल कृष्णा की व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं किया। और हम तब तक आसुरी रहेंगे जब तक हम कृष्णा की व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब तक कृष्णा की व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करते कृष्णा के पास नहीं जाएंगे। कितना सरल है भगवत ज्ञान समझना। कृष्णा की व्यवस्था को समझ लीजिए, कृष्णा के धाम चले जाइए। परंतु आप देखते होंगे कि अगर सपोज कीजिए आप हेलमेट पहन के अभी नहीं गए, हैं? देखिए आजकल तो है ना बहुत तरह के लोग हो गए हैं जो कहने के लिए पुलिस हैं, परंतु पुलिस का भी दायित्व नहीं निभाते। चलिए तो इनको छोड़ देते हैं, काम करते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, इनको भी पकड़ लेंगे परंतु बाद में पकड़ लेंगे, या फिर पकड़ ही लेते हैं, इन्हीं को पहले पकड़ लेते हैं फिर बाद में दूसरे को। ये क्या किए, बिना हेलमेट पहने गाड़ी दिए और चल दिए, अब इनको कैसे छोड़ दें? एग्जांपल आ गया, अब इनको छोड़ कैसे दें? गाड़ी निकाल दिए तो चलेंगे ना, रुकेंगे थोड़ी, हाँ तो गाड़ी निकाल के चल दिए। और हुआ क्या, हुआ ये कि ट्रैफिक लाइट्स जो है ना, आजकल जहां पे भी एडवांस जगह होगा ट्रैफिक लाइट्स में कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा ऐसे करके देखते रहता है और कैमरे के पीछे लोग देखते रहते हैं, है ना, और लोग नोटिस करते हैं, अरे तुमने हेलमेट नहीं पहना, ओके एक काम करता हूँ तुम्हारा फोटो खींचता हूँ, तुम्हारा वो नंबर प्लेट का फोटो खींचता हूँ और तुमको घर पे ही रसीद पहुंचा देता हूँ, इतने का चालान है, जाके कोर्ट में भर देना। मालूम है सभी को इस प्रकार की व्यवस्था है, हा? हरे कृष्णा, मालूम है ना आजकल इसी प्रकार की व्यवस्था है, बड़ी सरल व्यवस्था। आप गलती कीजिए आपके घर पे चालान आ जाएगा, कोर्ट में जाकर के जमा कर दीजिए, है ना, इतना सरल। तो एक बात बताइए, जब कैमरा फोटो खींचते रहेगा तो आप बोलिएगा क्या, नहीं 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 अगली बार पहन के आऊंगा, अगली बार पहन के आऊंगा, इस बार छोड़ दो, हा? या फिर आपको चालान आ जाएगा तो चालान भरने नहीं जाइएगा, उसके बाद बोलिएगा नहीं नहीं हम अगली बार भरेंगे, इस बार तो नहीं भरेंगे, ये तो पहली बार आया, हम नहीं मानते पहली बार, हैं? गलती किए हैं तो आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। देखिए आज के दिन में इस जगत में आने के बाद, परसों की क्लास यूट्यूब पे नहीं है, हाँ बिल्कुल है, सुबह 8 बजे अपलोड हो जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन है दबा दीजिए, हैं, और सभी को बोलिए दबा दीजिए, सुबह सुबह आ जाता है, हैं, सुबह 8 बजे आ जाता है, हरे कृष्ण, ये वाला भी कल सुबह है, हाँ तो क्या बोल रहा था, अगर हमने कोई अपराध किया हो, कोई भी अपराध किया तो क्या होता है, अपराध करने पे हमको कष्ट मिलता, परंतु कष्ट मिलता क्यों, कष्ट क्यों मिलता, क्योंकि हमने अपराध किया नहीं, इसलिए नहीं मिलता कष्ट। कभी आप कोर्ट के डिसीजन को सुनेंगे तो इसलिए सजा नहीं देते हैं,
कारागार का एक और नाम भी है, क्या बोलते हैं उसको? कारागार को एक और क्या नाम से पुकारते हैं? जेल को क्या नाम से पुकारते हैं हिंदी में? एक और नाम है, सुधार ग्रह प्रभु जी। हाँ, सुधार ग्रह। वो इसलिए सजा मिलती है ताकि आप नियमों को मान ले। वो चालान इसलिए कटा ताकि अगली बार से आप हेलमेट पहन करके आए, इस भय से कि आपका चालान कटेगा। यहां पे इस भौतिक जगत में जो व्यवस्था है वो भय से स्थापित होती है, परंतु कृष्णा के पास जो व्यवस्था है वो प्रेम से स्थापित होती है। असुर वो हैं जो प्रेम की व्यवस्था को नहीं माने। हम लोगों को यही समझना है कि प्रेम के रास्ते चलिए, प्रेम के रास्ते चल लीजिए। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और यहाँ पे मेरे को एक बहुत अविश्वास जैसा होता है, पूरे जगत में कोई भी पंथ ढूंढ लाइए, कोई भी पंथ और कैसी भी व्यवस्था को ढूंढ लाइए, जिस भी व्यवस्था से वो भगवान के बारे में जानते हो, मुझे कहते हुए कोई भी संदेह नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, प्रेम का व्यवस्था बस हमारे पास है। बाकी सब कोई डराते हैं, या तो बाकी सब कोई देवी देवताओं को या फिर कोई सेंट हो है, उनको दर्द देने के लिए कार्य करते हैं। वो अपना जीवन ही इस प्रकार से बिताते हैं। बस हमारे पास ही प्रेम का मार्ग, हमको छोड़ करके किसी के पास प्रेम का मार्ग नहीं, किसी के पास नहीं। अब बताइए, सुधारा ग्रह में इसलिए भेजा जाता है ताकि आप कष्ट के रास्ते इस बात को समझ लें कि ऐसा कार्य नहीं करना। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेम के रास्ते इस बात को समझ लीजिए क्या करना है। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि प्रभु जी क्लास ज्वाइन करना है ना बड़ा कष्टदायक लगता है, चैंटिंग करना है ना हमें बहुत टाइम लग जाता है, हमारा मन भी नहीं करता चैंट करने का, है कृष्णा की सेवा करना है ना हमसे तो सेवा होती नहीं, हमको ये सब में बहुत आनंद आता नहीं है। जॉन्डिस में अगर किसी को जॉन्डिस हुआ रहता है ना, तो उसे मिश्री चटाई जाए, मिश्री खिलाई जाए तो उसे कड़वा लगता है ना, हाँ? अगर जॉन्डिस में किसी को मिश्री खिलाई जाए तो कड़वा लगता है कि नहीं लगता है? हरे कृष्णा, यस नो, लगता है ना। तो मिश्री क्या कड़वी हो जाती है? हैं? मिश्री कड़वी हो जाती है। बीमार जो होता है उसको दवाई देते हैं और बोलते हैं कि सुबह ये 4 दवाई खाना है, दोपहर को ये 3 दवाई खाना है, शाम को वापस 4 दवाई खाना है। जो रोगी होता है उसको बड़ा दर्द लगता है, 4, 3, 7, 7 और 4, 11 दवाई दे दी, रोगी होता बड़ा दर्द लगता है। परंतु अगर सही हृदय से दी जाए, आजकल तो यहाँ पे डॉक्टर लोग भी बिजनेस करने लग गए, क्या कहें, अपराध अपराधी मानसिकता के साथ होते जा रहे। परंतु अगर कोई सच्चे हृदय से दे तो क्या ये जो दवाई दिया जा रहा है वो क्या गलत दिया जा रहा है क्या? किसी के अहित के लिए, आपके अहित के लिए दिया जा रहा है क्या? परंतु हमको लेने में तो अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से हमें नाम जप करना अच्छा नहीं लगता, ठीक इसी प्रकार से हमें क्लास ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगता, ठीक इसी प्रकार से हमें कृष्णा का कीर्तन सुनना भी अच्छा नहीं लगता था, है ना। बहुत लोग होंगे इसमें अभी भी कीर्तन सुनते समय सोचते होंगे, आ प्रभु जी 8:30 बजे से चला देते हैं, 8 बजे से चला देते हैं, 7:30 बजे से चला देते हैं, कितना कीर्तन, कितना कीर्तन सुनते रहे, कितना देर तक सुने बताइए। हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना सुबह से रात तक सुन लेंगे,
एक बात बताइए, बाकी समय क्या कर रहे थे? हैं? जब कीर्तन नहीं सुन रहे थे तो कौन सा बिजी वाला कार्य कर रहे थे वो बता दीजिए। नहीं, हम कोई कार्य नहीं कर रहे थे, पर हम कृष्णा का कीर्तन क्यों सुनेंगे कितना देर? आप समझिए, ये बीमारी की अवस्था होती है। बीमारी की अवस्था में हमको अच्छा नहीं लगता, और मालूम है क्या, हम ठीक वही कार्य कर रहे। असुर अपनी व्यवस्था बनाता है कि हम इस व्यवस्था से चलेंगे, हम कृष्णा की व्यवस्था को नहीं मानते, हम अपनी एक नई व्यवस्था बनाएंगे, इसी व्यवस्था से चलेंगे। इस स्थिति में हम असुरों से भिन्न गाएं। हम कोई असुर से अलग हुए क्या? हम भी वही कार्य कर रहे हैं ना जो असुर करते हैं। इसीलिए अगर भक्ति करनी हो तो हम मात्र गुरु के आदेश पे भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा का अर्थ है कभी हां कभी ना, अपनी इच्छा का अर्थ है कि हमें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान, अपनी इच्छा का अर्थ है हम पहले से ही पूर्ण स्वच्छ हैं। अगर ये स्थिति नहीं है और आसुरी कार्य नहीं करना चाहते तो कृष्णा की व्यवस्था को एक्सेप्ट कर ली, इतना सरल है ये। कुछ उसी प्रकार है कि आपको अगर सपोज कीजिए कोई व्यंजन बनाना हो, हैं? सब कोई का स्थिति एक ना एक बार ऐसा हुआ हो, कभी कुछ बनाना हो खाने का, प्रसादन कृष्णा के लिए कुक करना, तो जब आप पहली बार सब्जी कोई भी बना रहे हो, कोई भी सब्जी बना रहे हो, तो आपको हमेशा ऐसा लगता होगा, आजकल तो YouTube का जमाना आ गया, परंतु YouTube को एक बार के लिए भूल जाइए, और YouTube भी कोई शुद्ध तरीका नहीं है, परंतु ठीक है एक बार के लिए भूल जाइए, YouTube है ही नहीं, सोशल मीडिया है ही, आजकल तो दिखावा छलावा वाला जीवन आ गया, ओके एक बार भूलिए। तो सभी का एक ना एक बार तो इच्छा जरूर रहता होगा, हमको तो बनाने आते ही नहीं है, शुरू शुरू में जब बनाने की स्थिति हो हमको तो बनाने आते ही नहीं। काश मेरी माँ मेरे को बता दे कितना नमक डालना है, कितना हल्दी डालना है, कितना धनिया डालना है, कितना मिर्चा डालना है, कितना ये डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, धोना कैसे, काटना कैसे, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, जितनी भी तरह की जो भी स्थिति, सोचते हैं कि नहीं सोचते? कोई हमको गाइड कर दे, कोई हमको मार्गदर्शन कर दे, कोई हमें बता दे, हमको तो पता ही नहीं। हरे कृष्ण। यस, सभी की ऐसी स्थिति होती है ना, सभी की ऐसी स्थिति होती है। कोई ऐसे हम विरले जिनको नहीं है, हमको तो, हमको मतलब तो हम करेंगे, हम खुद करेंगे, सभी की ऐसी स्थिति होती है ना, हमें कोई तो बता दे हैं? अब इस बात को समझिए, ये तो हुआ भौतिक ज्ञान, ये तो हुआ भौतिक ज्ञान। अब भौतिक ज्ञान तो हम किसी को देख करके अनुकरण करके भी कर सकते हैं, किसी को देखा कि ऐसे बनाता है। अगर सपोज करें मेरे पास वापस से वो YouTube का वीडियो आ गई, और YouTube पे देखा, अच्छा इसको ऐसे डाल दिया, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे कर दिया, ठीक, आपने क्या किया, उसी का अनुकरण कर दिया। तो अगर अनुकरण कर दें तो करीब करीब बन जाएगा, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा हल्दी कम हो जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा, दो बार तीन बार चार बार दसवीं बार बन जाएगा। परंतु ये है भौतिक ज्ञान, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान जो हम अपनी इंद्रियों से सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, क्या हम इस तरीके से जान सकते हैं?
कि हम अपने पास बैठे हुए हैं, आज से हम भक्ति करना स्टार्ट कर दिया, आज से हम भक्त हो गए, आज से, अभी से अब हम भक्ति करेंगे, है ना, हम YouTube का वीडियो देख करके भक्ति करेंगे, हम टीवी देख करके, टीवी चैनल पे आ गया है, हैं? सीरियल का नाम नहीं बोल रहे, परंतु टीवी सीरियल देख करके भक्ति नहीं, टीवी सीरियल पे आ गया एक सीरियल, अब हम वो देख करके भक्ति करेंगे, क्या हम इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, क्या हम इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं कि हम लाइब्रेरी से 10 बुक उठा करके ले आए हैं, आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आज से हम भक्त बन जाएंगे। कोई भी ऐसा कर रहा हो तो कृष्णा की व्यवस्था को अस्वीकार कर रहा, और कृष्णा की व्यवस्था को अस्वीकार करना तो आसुरी कार्य होता। कृष्णा ने एक व्यवस्था बना रखी, आप उस व्यवस्था को तोड़ करके अपनी एक नई व्यवस्था क्यों बनाना चाहते हैं? आपकी कोई नई व्यवस्था उस प्रकार की नहीं होगी जितनी अच्छी व्यवस्था कृष्णा ने स्वयं पहले से ही प्रदान कर दिया, आप क्यों नई व्यवस्था बना, आप अपनी कोई नई व्यवस्था मत बनाइए। हम लोगों को इस प्रकार का इंटेलिजेंट नहीं होना है, भक्ति करने के लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए इस प्रकार का, कृष्णा को ही आपको इंटेलिजेंस के मापदंड पे आंकने वाले नहीं है, किसने तो बहुत बुद्धि लगा ली, इनफैक्ट कृष्णा मना करते हैं, ये मेंटल स्पेकुलेशन है, कृष्णा बताते हैं आज्ञा अनुसार भक्ति करनी, कृष्णा बताते हैं गुरु की इच्छा अनुसार भक्ति करनी है, गुरु से आज्ञा लेनी है, गुरु की इच्छा अनुसार करनी, कृष्णा बताते हैं गुरु से, गुरु के पास जाकर के उनसे जिज्ञासा करके भक्ति करनी, उस व्यवस्था को मान लीजिए आप आसुरी नहीं है, अगर उस व्यवस्था को नहीं मान रहे तो आप आसुरी है। रही दूसरी बात कि आसुरी क्या बुरे लोग होते हैं, आसुरी स्वयं में बहुत संघर्ष करते हैं, कोई आसुरी गुण वाले दिखे, आसुरी कोई दिखे तो उनसे घृणा करने वाला कोई बात ही नहीं है, बेचारे खुद संघर्ष कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता, जो कृष्णा का प्रेम छोड़ करके यहाँ पे बैठा हुआ हो वो कितना संघर्ष कर रहा होगा, जो अपने पिता, जो परम पिता है उनका प्रेम छोड़ करके एक अपनी अलग सी व्यवस्था बना करके बैठा हुआ हो कितना संघर्ष कर रहा होगा, तो कोई आसुरी दिख भी जाए तो उनसे घृणा करने वाली कोई बात नहीं है, आप उनसे घृणा मत कीजिए। हाँ ये बात बिल्कुल है कि आसुरी के व्यवस्था में आप मूर्ख मत बनिए, आसुरी ने कुछ व्यवस्था बना रखी उस व्यवस्था में आपको छलना चाह रहे तो आप छलाइए मत, परंतु उनसे घृणा करने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी आसुरी गुण वाले भी हो उनसे कोई घृणा वृणा नहीं करना, क्योंकि उनने कुछ, उनने तो कृष्णा का प्रेम नहीं समझा, आपको तो कृष्णा का प्रेम मिला, भक्तों का ये दायित्व है कि सभी को कृष्णा का प्रेम दे। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर बोल सकते थे कि मैं जगाई और मदाई को नहीं दूंगा कृष्णा का प्रेम, परंतु दिया ना, अधम योनि के पापी थे ना, इस श्रील प्रभुपाद बोल सकते थे कि मेरे को रात भर सुबह से रात तक कार्य करते रहूं, रात में भी उठ करके बुक लिखूं, क्यों लिखूं, नहीं लिखूंगा, मेरे को भक्ति करनी है मैं भक्ति करूंगा ना, और जितना व्यवस्था से हो जाए हम कर लेंगे, रात को मात्र 2 घंटे सोए या नहीं सोए और हम दिन भर कार्य करते रहे ऐसे क्यों करें, हम इतना क्यों करें, परंतु किए ना, और एक्चुअली में वो जिनको भी प्रीच किए वो तो कृष्णा का प्रेम पहले तो पाए नहीं, अगर मैं उसी मापदंड पे देखूं तो वो भी अपनी व्यवस्था से ही कार्य कर रहे थे, और अगर उसी मापदंड से देखूं तो वो भी आसुरी कार्य में लगेंगे, तो कृपया करके
इस बात को समझिए, आसुरी लोग गुणों से होते हैं और हमको गुणों से नफरत करनी है या गुणों से दूर रहना है। किसी व्यक्ति को आसुरी ना जानिए। और दूसरा, हर किसी से कंपैशनेट रहिए। अगर आपको कृष्णा का प्रेम का आस्वादन करने का अवसर मिल गया, आपने कृष्णा का प्रेम चख लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है आप दूसरों को निम्न जानिए, छोटा जानिए और बोलिए वो तो मूर्ख है, हैं? दूसरा तो मूर्ख है। हाँ, जब हम प्रेम की अवस्था में होते हैं तब हम उनको बोल सकते हैं अरे मूर्ख समझ, हम प्रेम से बोल रहे हैं, कोई उन्हें निम्न दिखाने के लिए नहीं बोल रहा है ना। किन्हीं को निम्न मत जान, शुद्ध प्रेम का आस्वादन कीजिए, शुद्ध प्रेम का प्रसार दीजिए, है ना। चलिए, उसी से कुछ रिलेटेड मैंने देखा था, है? चलिए आज यहीं से शुरू करें, रीड करना है। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। यह विषयी जीवन से बचे, सॉरी, वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुष अर्चनम शब्द का अर्थ है भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के स्वरूप की। भगवद गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही मूल मूल पुरुष पुरुषम शाश्वतम हैं। इसलिए योग अभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए अपितु कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषयी जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषयी जीवन बिताते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता, यह तो धूर्तता है। तथा कथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वे इच्छा अनुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अप्रामाणिक है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। लोग विषयी जीवन में अनुरक्त रहते हैं, वे उन विधानों का पालन नहीं करते जो उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर कर सके। विषयी जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद सीमित विषयी जीवन बिताता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है चोरी न करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता, यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह करता जाता है वह और भी बड़ा चोर है। स्वाध्याय का अर्थ प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन है। यदि कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे चाहिए कि ज्ञान के लिए आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना पर्याप्त नहीं है। परम भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप तीन साधनों से जाने जाते हैं, साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र तथा गुरु से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। भक्ति योग के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करता है और वह स्वयं शास्त्रों के उद्धरण देता हुआ बोलता है। अतः योग साधना के लिए आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोगों को आदर्श शास्त्र पढ़, ये आदर्श शास्त्र कौन है, क्या कौन बताएगा? परंतु उससे पहले समझिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि अगर कोई बोले कि देखिए प्रभु जी, ये जो है ना, ये गुरु हमको ठग लिए है, कोई अगर ये बात बोल दे, बस इतना बोल दे, प्रभु जी ये गुरु हमको ठग लिए, तो ये एक्चुअली में ना होने वाली बात है, असंभव बात है। क्योंकि गुरु, पहला तो गुरु जो है वो कृष्णा की वाणी बोलेंगे, नहीं तो वो गुरु नहीं। और शास्त्र में भी बार बार गुरु के बारे में वर्णन किया हुआ, और साफ साफ एकदम स्पष्ट रूप में, देखिए कितना अच्छे से गुरु का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ। गुरु कौन है वो साफ साफ लिखा हुआ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या लिखा हुआ है देखिए, इससे पहले ये बात जान लीजिए, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रास्ते हैं, हैं? हमको एक गंतव्य तक जाना है, एक लक्ष्य तक जाना है, उस लक्ष्य तक जाने के बहुत सारे मार्ग हैं। गुरु आपको सबसे छोटा मार्ग पे ले चलते हैं, हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु हमें कौन से मार्ग पे ले चलते हैं, भक्ति योग। बाकी सारे मार्ग भी जाते हैं, परंतु गुरु बताते हैं कि बाकी सारे मार्ग है ना, मूर्खता वाले मार्ग मत चलो, वो सब हम बोलते हैं गुरु ने ऐसा बोला है, ठीक ही बोला, तो बाकी सारे मार्ग कैसे हैं, मूर्खता वाले। गुरु कौन से मार्ग से ले जा रहे हैं, भक्ति योग वाले मार्ग से। और भक्ति योग वाले मार्ग में क्या है, भक्ति योग का संपादन। तो एक्चुअली में बाकी मार्ग बाकियों के लिए बताया हुआ, ज्यादा मार्गों के बारे में नहीं बताते, वेद अध्ययन के बारे में नहीं बताते, क्योंकि ये कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानेंगे। परंतु कोई कृष्णा को नहीं जानना चाहे, कोई बोले ना ना हम तो कृष्णा को नहीं जानेंगे, हम तो देवी देवता को जानेंगे, तो फिर क्या, फिर दूसरा मार्ग, किन्हीं को शुद्ध अवस्था में नहीं रहना है तो क्या है, अशुद्ध अवस्था है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध अवस्था नहीं है तो अशुद्ध अवस्था भी मत ग्रहण कीजिए, आपको मन मनमर्जी वाले अवस्था व्यवस्था को ग्रहण कर लीजिए, नहीं, वहां पर मेंटल स्पेकुलेशन की जगह नहीं है। हम लोग हर समय कोई ना कोई व्यवस्था को तो स्वीकार करते ही हैं। आप कौन सी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, आप ये बता दीजिए। तो यहां पे भक्ति योग के बारे में बताया गया है, भक्ति योग का संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करता है। भक्ति योग कैसे समझते हैं, गुरु के थ्रू संपादन हेतु, गुरु क्या बता रहे हैं, भक्ति योग करना है तो कौन है आदर्श, गुरु, कैसे, और वो क्या करते हैं, आदर्श साहित्य की संस्तुति करते हैं। गुरु ये नहीं बोलते सारे साहित्य पढ़ लो, गुरु ये नहीं बोलते हैं, जितना कुछ जानना है सब जान लो, नहीं, आदर्श साहित्य पढ़ने बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, आदर्श साहित्यों से, उन शास्त्रों से उद्धरण, मतलब एग्जाम्पल देता हुआ बोलता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई शास्त्रों को कोट करते हुए बात ना करे, कोई कितना भी मीठा बात क्यों ना करता हो, हर बार शास्त्रों का वर्णन देता हुआ बात ना करे तो वो गुरु नहीं हो सकता। ये मैंने पहली बार वेद में देखा, एज इट इज लिखा हुआ। हाँ, जैसे ही मैंने एज इट इज बोला, विपुल प्रभु जी ने लिखा, एज इट इज शास्त्रों को कोट करके अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए और सरल शब्दों में कर दे, परंतु शास्त्रों को कोट कर, कि भगवत गीता में भगवान ये बोल, अब ये नहीं भगवान ये बोल रहे हैं, हैं? या फिर मैंने व्हाट्सएप मैसेज आया था, और वो मैं व्हाट्सएप मैसेज कभी भूलता नहीं, पता नहीं वो ऐसा मैसेज था, हाँ क्या मैसेज था, भीष्म पितामह भगवत गीता में बोलते हैं कि, आगे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, पता नहीं एक लंबा सा मैसेज, बहुत सारे लंबे लंबे मैसेज आते हैं, एक वैसे ही लंबा सा मैसेज आता, उसके आगे मैंने पढ़ा ही नहीं, भीष्म पितामह भगवत गीता में कुछ नहीं बोलते, तो इस प्रकार के लोग भौतिक जगत में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, और उस उनके मुख से जो निकलता है ना, उसी से पता चल जाता है वो क्या बोल रहा है। आप मेरे को कोट दिखाइएगा ना, भौतिक जगत में भी कृष्णा के नाम पे बहुत सारा कोट चलता है, कृष्णा बताते हैं ये, कृष्णा बताते हैं वो, ना वो तो कहां बताए, कहां पे बताए, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर हम छले जाना चाहते हैं तो हमको कोई ना कोई छल लेगा, परंतु अगर हम शास्त्र सम्मत कार्य करेंगे तो हमको कोई नहीं छल सकता, है ना। तो हम अपनी सोच से, अपनी समझदारी से कभी भी, हाँ हाँ विपुल प्रभु जी बता रहे हैं, उनके पास शायद कोई मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ अध्याय 19वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय है, 19वां अध्याय में भगवान, वेरी गुड। तो इस प्रकार से अगर कोई हमें चलना चाहे तो चलते रहे, ठीक है, जो समझदार होंगे वो नहीं चलाएंगे, जो मूर्ख होंगे वो चलाए जाएंगे, है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, क्या लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, हाँ, यदि कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता तो योग पद्धति का अभ्यास करता है, और योग पद्धति का अभ्यास करता है, उसे चाहिए कि ज्ञान के लिए आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। अब कोई मान लिया कि हमने कृष्णा से द्वेषी करना है, हमको कृष्णा से कोई प्रेम नहीं, हमको कृष्णा से द्वेषी करना, अगर किसी ने ऐसा मान ही लिया तो ठीक है, वेद साहित्य पढ़िए, उससे क्या होगा, उससे ज्ञान योग से, अष्टांग योग से धीरे धीरे शुद्ध होकर के कभी आपको इस तरह की स्थिति होगी कि आप भक्ति योग कीजिए, और भक्ति योग करने के बाद फिर कृष्णा के पास जाएंगे, है ना। यहाँ पे साधनों की बात की गई है, हमारे लिए साधु पुरुष और शास्त्र आदर्श गुरु, सॉरी हमारे लिए कोई अनम्यूटेड है क्या, हमारे लिए साधु पुरुष और गुरु दोनों एक ही है, गुरु को छोड़ करके हम किसी को साधु जान सकते हैं, हम वैष्णव जान ले, है ना, ओके,
तीसरा क्या है? आदर्श शास्त्र। हमें अपना ज्ञान शास्त्र सम्मत रखना है। सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? चाहे किसी प्रकार का भी ज्ञान क्यों ना आप समझ लें, कितनी भी बार भगवद गीता श्रीमद् भागवतम क्यों ना पढ़ लें, क्या आप वो हृदय ला पाएंगे क्या जिस हृदय से हमें समर्पण करना होता है? सारे ज्ञान का क्या लाभ है? सारे ज्ञान का लाभ यही है कि हम कृष्णा की सेवा करें, कृष्णा के प्रेम में डूबें और कृष्णा के धाम गए। सारे ज्ञान का लक्ष्य तो यही है। क्या कोई भगवद गीता श्रीमद् भागवतम इतनी भी बार पढ़ ले उस प्रकार का हृदय ला सकता है क्या? नहीं। अगर इस प्रकार की स्थिति होती तो हम तो एक मशीन को लगा देते हैं, सुबह से रात तक भगवद गीता श्रीमद् भागवतम बोलते रहता, हम कभी ना कभी सुन लेते और हो जाती हमारी भक्ति और हम हो जाते शुद्ध और हम चले जाते कृष्णा के धाम। भक्ति ऐसे तो नहीं होती, तो फिर कैसे होती है भक्ति? समर्पण से। समर्पण किसके प्रति? गुरु के प्रति, है ना? गुरु सम्मत भी ठीक होगा। नहीं, गुरु सम्मत ठीक नहीं होता, वो अकेला रास्ता। अगर कोई गुरु के प्रति समर्पित हुए बिना भगवत ज्ञान समझे तो कोई ज्ञान व्यान नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि कृष्णा की व्यवस्था मानी नहीं। एक्चुअली में अगर हम शुरू में देखें तो वही असुर है। कृष्णा ने एक व्यवस्था बना करके दी, गुरु शिष्य परंपरा, बोले हम तो नहीं मानते। फिर कृष्णा की कई बातों को तो मान ही नहीं रहा, फिर भक्ति कर रहा, क्या असुरी कार्य हो रहा? देखिए, हम लोगों को अधिक मात्रा में कुछ भी चीज, कोई भी आवश्यकता, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, इसको समझने का जरूरत है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत, सभी को दिखाई दे रहा है, व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। हम रख सकते हैं परंतु अपनी आवश्यकता से ज्यादा, यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है किसके लिए? अपने लिए, वह चोर है। अगर भगवान के लिए करें तो ये बेस्ट। देखिए, भौतिकवादी और भक्त का, दोनों को धन एकत्रित करना है, परंतु भक्त उसी धन से कृष्णा की सेवा करेंगे, भौतिकवादी उसी धन से अपनी सेवा करेंगे। और इसके ऊपर एक बात और लिखा हुआ, जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन को का केवल संग्रह करता है वो और भी बड़ा चोर है। आप सभी को बारंबार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर दिन अपने धन का कुछ भाग, इतना भी छोटा हो सकता है परंतु कुछ भाग निकालिए और कृष्णा ने संस्तुति की है, कृष्णा ने बताया है, कृष्णा ने आदेश भी दिया है और कृष्णा करते भी हैं गौर ब्राह्मण की रक्षा। तो हमको गौर ब्राह्मण की रक्षा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। गौर ब्राह्मण की सेवा के लिए उस धन का उपयोग होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है कृष्णा के कार्य में, वो धन का उपयोग नहीं हो रहा, तो हम पाप कर्म कर रहे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। ना तो हम ज्यादा बचाएं अपने लिए तो हम एक्चुअली में भगवान का हित करने का कोशिश करते हैं, भगवान की व्यवस्था को तोड़ करके अपनी एक व्यवस्था बनाते हैं। ज्यादा धन एकत्रित करने का अर्थ क्या? एक अर्थ है ना, हमको अपनी एक व्यवस्था बना, है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ, ब्रह्मचारी मात्र उसको नहीं बोलते हैं, और ये बात बहुत ज्यादा डेप्थ वाली है, कृपया सभी को समझें। और देखिए, मेरा एक विनम्र निवेदन है, इसको कृपया मोड ऑफ इग्नोरेंस पे जाकर के मत समझिएगा, इग्नोर मत कीजिए इस बात को, क्योंकि अगर इग्नोर किए तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं, परंतु आप सभी से निवेदन है कि इसको दृढ़ता से समझने का कोशिश कीजिए। और तो डिफिकल्ट लगेगा, शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, परंतु बहुत आसान। देखिए, अगर कोई विषय जीवन जी रहा है तो उसका अर्थ क्या? हम लोगों ने भागवतम में पढ़ा, कोई विषय जीवन जी रहा है तो वो बद्ध होना चाहता है, हमको तो मुक्त होना। अब हम विषय जीवन जीते जीते मुक्त कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। स्थिति ऐसी है कि हम सभी जो कृष्णा से द्वेष करके आए हैं, हम सभी में मलिनता है, और सबसे प्रमुख मलिनता होती है विषय जीवन जीने। अब विषय जीवन जीते जीते तो कोई शुद्ध हो नहीं सकता, तो हमें करना क्या है? हमें विषय जीवन को धीरे 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 त्यागना है। और हमें कृष्णा के प्रेम में लगना है। विषय जीवन को त्यागने का अर्थ है कि हमें विषय जीवन नहीं चाहिए। कृष्णा के प्रेम में लगने का अर्थ है कि कृष्णा का प्रेम चाहिए। कोई इस प्रकार से अपने आप को मूर्खता में स्थित ना कर ले जो सोचे कि हमें विषय जीवन धीरे धीरे स्वयं समाप्त हो जाएगा। कैसे? इंद्रियां कार्य करना बंद कर देंगी, इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर ये हो भी जाता है तो भी आपकी जो आंतरिक इच्छा है विषय जीवन जीने की, वो समाप्त नहीं होती है। हमको आंतरिक तौर पे, क्योंकि कृष्णा हमारा हृदय चेक करेंगे, कृष्णा हमारी वाणी चेक नहीं करेंगे, हमको आंतरिक तौर पे विषय जीवन से छुट्टी चाहिए, हमको नहीं चाहिए विषय जीवन। जब तक हमारी स्थिति इस प्रकार की नहीं होती है कि हमको विषय जीवन नहीं चाहिए, तब तक हम विषय जीवन में ही जिएंगे। चाहे वो इंद्रियां निष्क्रिय भी हो गई हो, तब भी विषय जीवन जीना। बहुत लोग सोचते हैं ना, हम तो बूढ़े हो चले हैं, बूढ़े हो चले तो इंद्रियां तो निष्क्रिय हो गई, और निष्क्रिय हो गई तो विषय जीवन अपने आप समाप्त हो गया। नहीं, हमारा स्वयं का ये मत होना चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये जीवन, हमें कृष्णा का प्रेम चाहिए। जिनकी भी इच्छा विषय जीवन जीने की हो और कृष्णा का प्रेम को अस्वीकार कर दे, उनका कहने का अर्थ है कि हमको कृष्णा का प्रेम उतना वैल्यूबल नहीं लगता।
तो चाहे स्वाभाविक स्थिति आपकी ये भी हो कि विषय जीवन आप जी रहे हो या जीने जीते हो, तो भी हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि इस पापमय जीवन से, इस विषय जीवन से धीरे धीरे हम बाहर निकले। हम जो भी धन संग्रह किए हुए हम धीरे धीरे वो कृष्णा के लिए लगाएं, कृष्णा के नाम प्रचार के लिए लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नाम प्रचार के लिए, कृष्ण भगवान के नाम प्रचार के लिए हम अपना धन नहीं लगाते हैं तो हम पाप कर्म करते। आप समझिए, चाहे आपने कोई भी व्यवस्था से धन अर्जन किया हो, उसमें मलिनता होती है, आपको झूठ बोलना होता है, बिना झूठ बोले धन अर्जित नहीं होता इस भौतिक जगत, आपको पाप कर्म भी करने पड़ते। ये सब सही कार्य तो नहीं है। तो हम जब तक इनको कृष्णा के लिए नहीं लगाए, ये ठीक वैसे ही है पत्रम पुष्पम फलम तो है, अगर पत्ते तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, पेड़ से तोड़ रहे हैं, तो ये भी पाप कार्य है। परंतु अगर कृष्णा के लिए लगा दें तो वो पाप क्या हो जाता है, पाप नाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम धन को भी कृष्णा के लिए लगा, अब बहुत लोग इस व्यवस्था को मालूम है गलत रूप से यूज करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, चलिए आज से मैं पाप कार्य करूंगा और मैं क्या करूंगा, भगवान को अपना पार्टनर बना लेता और भगवान को क्या करूंगा, अपने धन में से कुछ परसेंट भगवान के लिए लगा देंगे, भगवान के कार्य में लगा देंगे। और ऐसा लगाने से हमारा जो पाप है वो तो नाश हो गया और हमारा जो बिजनेस है वो चलते रहे। तो ये क्या है, ये नाम के बल पे पाप करने वाला ही स्थिति है कि किसी को हमने भगवत ज्ञान दे दिया क्या कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो पाप पाप कर्म कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप अपने धन का कुछ भाग कृष्णा के लिए लगाइए। उनने क्या किया, उनने बोला कि हम पाप ही कर्म कर लेते हैं, हैं? जैसे हम आतंकवादी बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं, धन का कुछ भार कृष्णा के लिए लगा देते हैं। ये गलत व्यवस्था, लोग मिसयूज करते हैं, है ना, कृष्णा कृपालु होते हैं लोग मिसयूज करते हैं। हम ठीक इसी प्रकार से गुरु की भी शक्तियों को मिसयूज करते हैं, हम ठीक इसी प्रकार से कृष्णा की कृपा को भी मिसयूज करते हैं। कृपया मिसयूज मत कीजिए, आपको कोई पावर मिल जाए तो पावर का उपयोग सही लक्ष्य के लिए होना चाहिए, कृपया उसका अन्यथा प्रयोग ना कीजिए, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, जितनी भी कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। एक ही श्लोक हुआ, दो हुआ, श्री तक हो गया था क्या, हर्षित प्रभु जी तो शायद बोल बता रहे, कोई बात नहीं, अगर हो भी गया होता सॉरी। सबसे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णव।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? कल माफ क्यों नहीं किया बता? हाँ, इसमें तुम बच्ची में अगर कुछ किया, ठीक है, जो भी है, मतलब फिर से जान लिया कोई उपरांत। ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर चैंटिंग स्टार्ट करें। इफ anyone is not executing bhakti according to guru, is he or she asuri? देखिए, आसुरी गुण का होना बहुत स्वाभाविक है। और हाँ, अगर कोई गुरु के आदेश अनुसार भक्ति नहीं कर रहा है तो आसुरी गुण नहीं है स्थित, क्योंकि कुछ भी करना चाहता है तो वो अपनी ही व्यवस्था से तो करना चाहता है ना। अपनी व्यवस्था कौन बनाता है? असुरी तो बनाता है, ये मेरी व्यवस्था है, कृष्णा की व्यवस्था वो है, मैं उस व्यवस्था में नहीं चलूंगा, मेरा अपना खुद का व्यवस्था, हमारा एक नया रास्ता, वो कौन करता है? कौन करता है? जो भगवान सम्मत होता है। नहीं, आसुरी ही ऐसी व्यवस्था को स्वीकार जो कृष्णा सम्मत ना। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। ऑल्दो बहुत बार उन्होंने आसुरी बोले वो ठीक नहीं है, परंतु आप अपने को आसुरी जाने अगर हम इस प्रकार से भक्ति नहीं करते, क्योंकि देखिए हमारा लक्ष्य भी भक्ति करना नहीं है, हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्ति करना, दोनों में बहुत फर्क है। हमारा लक्ष्य भक्ति करना है ही नहीं, जब तक शुद्ध भक्ति नहीं हो रही हमको कुछ नहीं चाहिए। जब तक कृष्णा नहीं मिलेंगे आपको कुछ चाहिए क्या? भक्ति करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको चाहिए? कृष्णा नहीं मिलेंगे, चाहिए? हमारे लिए आसुरी कार्य ही है, अगर कृष्णा नहीं मिलेंगे तो हमारे लिए आसुरी कार्य ही है। हाउ टू मैनेज स्टडी वाइल कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर एंड टू रिमेम्बर हिम, please kindly forgive me if I am getting too personal, but Prabhuji, please can you tell us how you managed your studies when you were in college keeping to Krishna in center? Hare Krishna. In fact, आज आप college की बात कर रहे हैं तो आज ही क्या हुआ, आज ही हम लोगों ने 5 बजे अभी कीर्तन सुन रहे हैं ना, तो सुने हैं वो वाला कीर्तन जब मैं सुबह सुबह मंगला आरती में जाता था, तो जो कीर्तन गाता था वही कीर्तन 5 बजे वाली क्लास में सुन रहा, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल, वो ट्यून। ओके, सो स्टडीज को कैसे मैनेज करें? बहुत सरल है प्रभु जी, देखिए इस बात को समझना है और आपके लिए और ज्यादा सरल है, आप लोगों के लिए और ज्यादा सरल है। इस बात को समझना है कि गुरु हमसे मात्र ये नहीं बोलते कि आप भक्ति कीजिए, गुरु हमसे बोलते हैं वर्क विद डिवोशन, अपने निर्धारित कर्तव्य का भी निर्वहन करना और भक्ति भी करनी है, दोनों करना है, दोनों में से एक करने नहीं बोले। तो हमको पढ़ाई भी अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े
एक बार के लिए आप दूसरे एंड से देखिए, आप अगर नहीं पढ़े तो आप बाहर जाकर के आप दुष्प्रचार कीजिए। लोग बोलते हैं भक्ति करने वाले ये नहीं करते, भक्ति करने वाले वो नहीं करते, भक्त तो ऐसे होते हैं, भक्त तो वैसे होते हैं, आक्षेप लगाते हैं। और अगर आपने भक्ति अच्छे से नहीं की तो आपके कारण आक्षेप लगेगा। क्या आप स्वीकार करेंगे ऐसा? आपके लिए क्या ये स्वीकार ही होगा? तो हमें करना क्या है? हमें सुबह जब भी उठें जल्दी से जल्दी एक या दो राउंड चैंट कीजिए। सुबह जब भी उठे जल्दी से जल्दी एक या दो राउंड चैंट कीजिए। और ये बात जानिए कि अगर आपने अच्छा पढ़ा तो गुरु प्रसन्न होंगे। आप अच्छे से पढ़ते हैं तो श्रीमती राधा रानी महारानी प्रसन्न होंगी। आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कृष्णा प्रसन्न। अपने रूम में जहां पे भी हो वहां पे कृष्णा के विग्रह का एक पिक जरूर रखिए और हर बार उनको देखिए। और ये बात समझिए कि जब जब आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से अपने कृष्णा का अहित किया। कृष्णा आपके इस कृत्य से अप्रसन्न होंगे। He would not be happy। अब आप में हिम्मत ही नहीं होगी कि पढ़ाई में। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि सभी को एक मापदंड से पढ़ना भी नहीं चाहिए, समझना भी नहीं चाहिए और लक्ष्य भी नहीं बनाना चाहिए। सब कोई हम लोग कोई कोई कमोडिटी नहीं है। हम लोगों को पढ़ाई करके ही लक्ष्य प्राप्त हो नहीं, परंतु फिर भी ऐसा तो पढ़ाई नहीं करना है ना कि हम पढ़ ही नहीं रहे। जितनी कृष्णा ने हमें क्षमता दी है उससे कम क्षमता का इस्तेमाल कर। ऐसा मत कीजिए कि अगर आपको क्षमता नहीं दी है ना फिर भी आप सोचिए नहीं हम तो टॉप करेंगे। आपको क्षमता ही नहीं है, हम तो टॉप करेंगे। टॉप कर भी दीजिएगा तो क्या कीजिएगा? क्योंकि टॉपर से एक तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, आपको उस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। अगर आप उस गुण के हैं ही नहीं फिर भी वो कार्य कर भी दिया उसके बाद भी आपको कुछ करना पड़ेगा उसी गुण से रिलेटेड, और आप उस गुण के हैं ही नहीं। ये कुछ वैसा ही है कि धोखा दे करके सपोज कीजिए, आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के बाद प्लीज माफ कीजिए मैं साफ साफ बोलूं, आप लोगों को मालूम होगा। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था, कैट का एग्जामिनेशन एमबीए के लिए होता है। कैट के एग्जामिनेशन में अगर कोई क्लास था मेरे को याद नहीं है, अगर कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी तीनों में से एक क्लास था या दो क्लास था मेरे को याद नहीं है, अगर वो जाकर के पेपर में अपना नाम लिख देते रोल नंबर लिख देते और साइन कर देते जो भी करना होता है और पेपर में कुछ भी नहीं लिख करके आते तो उनको इंटरव्यू का कॉल आ गया होता बड़े बड़े आईआईएम का। एक बार ऐसा हुआ था, अब मान लीजिए कि ऐसे में बहुत लोगों का एडमिशन होता है, बहुत लोग ज्वाइन भी कर लिए कॉलेज पहुंच भी गए, परंतु कॉलेज पहुंचने के बाद क्या स्थिति होगी? वहां पे तो प्रेशर आएगा, हमने तो पढ़ाई की नहीं थी, हमको तो बस ऐसे ही हमने पेपर भर दिया था, हमने पढ़ाई की नहीं, प्रेशर आया। और बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? देखिए सुसाइड करना कोई रास्ता नहीं है। सुसाइड करने की टेंडेंसी रहना और सुसाइड करना दोनों में फर्क होता है। बहुत लोग डिप्रेस स्टेट में रहते हैं और सुसाइड करने का हृदय होता है, परंतु सुसाइड करना
और सुसाइड की टेंडेंसी रखना, दोनों अलग। तो सुसाइड कर लिया, उसके बाद क्या फायदा हुआ? तो इस प्रकार का हृदय मत रखिए कि हमको टॉप ही करना, हमको सबसे अच्छा ही चाहिए, हमको 95% से नीचे हम बात ही नहीं करेंगे। इस प्रकार का हृदय मत रखिए, परंतु पढ़ाई तो अच्छे से करिए। कृष्णा को दुख होगा, श्रीमती राधा रानी महारानी को दुख होगा, और सबसे ज्यादा गुरु को दुख होगा। क्या हम ऑफेंड कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो हमको अपना कार्य करना, बस पढ़ाई ही नहीं, जो भी अपना निर्धारित कर। अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हो तो कोई भी फेल नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हमेशा ही फेल। हम अपनी व्यवस्था के लिए कभी कोई भी कार्य करेंगे तो असफल, निश्चित असफल होंगी नहीं होंगे, है ना? हरे कृष्ण, हरे Yes. Did I answer? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। कीर्तन बहुत अमेजिंग आने वाला है, बहुत अमेजिंग आने वाला है। मेरे को पहले बोल देना चाहिए। मतलब आप लोग सोचेंगे कि कीर्तन छोड़ करके तो जाना है ही नहीं आज, ठीक है, मैं उधर से लगाऊंगा जहां से आप डूबे रह जाएंगे। हिलने का मन ही नहीं करेगा, क्या कीजिएगा? आप सोचिएगा, रात का 12 भी बच जाएगा तब भी हम नहीं जाएंगे। अरे कृष्णा, चलिए 10:30 तक कंटिन्यू करते।